और यहाँ की समस्या और उसमें आनंद लेना, उसमें होश में रहना, उसको सुरक्षा लेना, ये आम जनता की एक ईर्ष्या रहती है। और इसलिए ये जो दौड़ है यानी मैराथन का फंडा इस मुंबई शहर में बहुत ज़्यादा पैमाने पे चल रहा है। लोग यहाँ पार्टिसिपेट होते, सब जाति धर्म के, सब आयु के। तो ये स्वप्निल हमारे यहाँ के नगर सेवक है, स्वप्निल टेबलकर, उसने यह आयोजन किया है। अनिल हमारे यहाँ के बहुत झुंझार ऐसे हमारी संस्था के पदाधिकारी है, अनिल मुरार का, वो उसने सहभाग दिया। और सबसे अहम बात आज के लिए, जो मयूर दिल्ली गेट से मुंबई गेट तक यहाँ एक हाथ से साइकिल की सफ़र करके आए हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रजासत्ताक दिन के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया है। प्रजासत्ताक को हम लोगों ने 70 बरस पूरा किया है और ये भारतीय लोगों में एकता, अखंडता, सर्वधर्म समभाव का ये संदेश लेके प्रजासत्ताक हर भारतीय लोगों के मन में बैठा है। तो इसलिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ स्वप्निल का, उसकी पत्नी पूर्व नगर सेविका वर्षा का, अनिल का, जिन लोगों ने ये सब जिक्र किया है उनके लिए मैं दिल से यह अभिनंदन करता हूँ। और आज ये अच्छा शुभ अवसर पर उन्होंने जो किया है, ये अच्छा संदेशा हर घर में इस दौड़ से जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। तब अनिल मुरारके जी जैसे हमेशा कोई भी सोशल कॉज किसी भी कारण में वो हमेशा आगे रहते हैं, क्या अपील रहेगी कि इनकी तरह काफ़ी दूसरे लोग भी इस तरह सपोर्ट के लिए आगे आए, आप क्या कहना चाहोगे? अनिल मुरारका, उनके सबसे रोल प्ले करने वाला काशी मुरारका जी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलती है, देखो कि सब धंधे वाले बिल्डर, सब यहाँ के कारखानदार तो अपने आप अपना व्यवसाय करते, पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है समाज के प्रति। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मुद्दा लेके ये फैमिली काम करती है। वो जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि हमारी स्मशान भूमि गोरेगांव की, जो बहुत बरसों तक बनी नहीं रही थी, जिसके लिए मैंने बहुत सालों से जिक्र किया, ये बन गई। उसके बाद उसकी पूरी व्यवस्था और पूरा सुशोभीकरण ये काशी मुरारका जो ट्रस्ट है, इन्हीं लोगों ने किया। तो समाज के प्रति मेरा कोई देना है ये भावना से ये लोग काम करते, समझा कि नहीं? ये सब व्यापारी लोग, ये बिल्डर लोग, ये यहाँ चैरिटी करने आते नहीं है, ये धंधा करने आते, पैसा कमाते। तो पैसे का कई हिस्सा समाज के हित के लिए लगना चाहिए, ये जिसकी भावना है वैसे ही काशी मुरारका, अनिल मुरारका ये काम करते। स्वप्निल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आपके वार्ड में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है और कितना चैलेंज आप देखते हो, कितनी खुशी भी हो रही है कि इस तरीके का मेरे वार्ड में काम हो रहा है, युवा इतने सालों से तादाद में पार्टिसिपेट किए, कितनी खुशी हो रही है आपके वार्ड में? मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हम लोग का 5 साल, ये इवेंट हम लोग का 5 साल से चल रहा है। ये इवेंट में हम लोग ने रंगोली प्रदर्शन लिया, नवोदित मुंबई श्री ली, क्रिकेट टूर्नामेंट ली, फुटबॉल टूर्नामेंट ली, कैरम टूर्नामेंट का कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, चेस टूर्नामेंट ली। एक युवा पीढ़ी को और अपना जो यंग जनरेशन है, अभी कैसा हुआ कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसमें अपनी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, कला, क्रीड़ा, वो कुछ उनको वो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग ने इवेंट किया। और मुझे बेहद खुशी होती है कि पहला साल में इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उसके 5 गुना पार्टिसिपेंट्स ये साल में बढ़े हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। आज का जो मैराथन था, सुबह 6:30 बजे मैराथन था, उसमें मुझे कहने को खुशी हो रही है, बहुत से सीनियर सिटीज़न ने पार्ट लिया और पूरा जो मैराथन कंप्लीट की, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कीर्तिकर साहब तो मेरे तो बहुत मार्गदर्शन है, मेरी मम्मी 10 साल कॉरपोरेटर थी, मेरी मिसेज 5 साल थी,
जो हम लोग आज खड़े हैं, मेरा जो पहला इलेक्शन मुझे याद है, कीर्तिकर साहब खुद आए थे इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए और उनके वजह से आज हम लोग इधर समाज को कुछ देने लायक बने हैं। मैं कीर्तिकर साहब का सच्ची में शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बावजूद साहब बोले समाज को देने की जो प्रवृत्ति है वो अनिल मुरारका जी की माध्यम से हम लोग को मिलती है। बैकबोन बोलते हैं ना, हम लोग कार्यक्रम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हम लोग बैकबोन रहते हैं, ऐसे अनिल मुरारका जी है, मेरे दोस्त है, उन्होंने भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। 5 साल में हर एक इवेंट में सपोर्ट करते हैं। और सबसे बात कीर्तिकर साहब जी ने बोली कि सोने पे सुहागा जो बोलते हैं वो अपने मयूर साहब, मयूर साहब और अनिल मुरारका जी ने उनको स्पॉन्सरशिप दिया। 1600 किलोमीटर्स वो इधर से साइकिल से आए हैं, तो उनके भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। और ये इवेंट उसको 4 चांद लगे मयूर मयूर जी के आने। थैंक यू, थैंक यू। अनिल जी आप क्या कहोगे? पीछे सबसे पहले मैं भाऊ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल रात को हम इनके पास गए, रिक्वेस्ट करेंगे भाऊ जी आपको थोड़ा समय देना है और आपके सामने वाज बैठे हैं। ऐसा कौन एमपी है जो इतनी शॉर्ट नोटिस पर कहीं आता है? भाऊ जी रियली शुक्रिया आपने दे। ठीक, आपने कहा स्वप्निल भाई का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। मैं तो एक जरिया हूँ कि कहीं पहुँच जाता हूँ इनकी वजह से, लेकिन जो मेहनत लगती है एक इवेंट को शेप देने में वो स्वप्निल दादा और वर्षाताई करते हैं। इट्स फैंटास्टिक फिनोमिनल। मयूर भाई का जिक्र करें, मेरे पास शब्दों की कमी है। 1600 किलोमीटर साइकिलिंग, आप देखिए इनको आप स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। एक हाथ बहुत तकलीफ वाला काम है, जिस कठिनाइयों से ये गुजरे 16 दिनों में। एक पुरानी पोएट्री थी हरिवंश राय बच्चन साहब की, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे से 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, दैट इज एन एप्ट पोएट्री फॉर दिस जेंटलमैन। यस, थैंक यू। आई एम टेलिंग यू, हर दिन कुछ ना कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और फिर भी ये जुटे रहे कि इन्होंने ये मिशन पूरा करना है। इट्स माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द बॉक्स। मयूर भाई थैंक्स अ टन फॉर ऑल दैट। सबसे पहले मैं टीम एम्पल मिशन, मिशन ऑन मूव, टीम एम्पल मिशन, मिशन ऑन मूव, डॉक्टर श्री अनिल काशी मुरारका जी, कीर्तिकर सर, एंड मतलब जो हम लोगों को फील हुआ, मतलब जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो पहले तो बहुत नर्वस था, लेकिन जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने रात को 3 डिग्री टेम्परेचर में भी, मैंने जयपुर में रात को 9:30-10 बजे के आसपास मैंने साइकिलिंग की है। वो पेन जो मैंने लिया है जस्ट कि मिशन मेरा पूरा होना है, कैसे भी करके मुझे ये डिस्टेंस जो है ये कवर करना है, कैसे भी करके हम लोगों ने वो चीज़ किया। और ये जो मेरा एंटायर जर्नी है, ये टीम एम्पल मिशन, सिद्धांत जी, और सबसे मेन पहलू जयशंकर मंडल मेरा स्टूडेंट, और हर्षद भाई जो ड्राइवर भाई है, इनके बिना तो ये पूरा होता ही नहीं था हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो दोनों थे, मैंने तो ऑफिशियल राइड किया लेकिन मेरे साथ अनऑफिशियली जयशंकर ने भी पूरा 1600 किलोमीटर मेरे साथ राइड किए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जयशंकर के पेरेंट्स से, पेरेंट्स को मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चे को 18 दिन अपने आप से दूर मेरे साथ रहने का मौका दिया, मतलब उन्हें छूट दी। वो अभी TYBF में पढ़ रहे, 3rd ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन इतने दिनों तक वो मेरे साथ है। और साथ ही साथ हर्षद भाई का भी क्या, जब जब मेरे पैर में क्रैम्प्स आए, मेरे पैर दुखे, हर्षद भाई गाड़ी से उतरे, मुझे मसाज दिया, मुझे मालिश करके दिए, जस्ट कि मैं प्रॉपर रह सकूँ। मैं सिरोही के आसपास गिरा था, मेरे पैर में चोट आ गई, चोट आने के बाद डॉक्टर ने कहा स्टिचेस लेने पड़ेंगे, मैंने सोच दिया कि अगर स्टिचेस ले लिया मैंने तो शायद ये साइकिलिंग में नहीं कर पाऊँगा, मैंने स्टिचेस के लिए डिनाई कर दिया, मैं स्टिचेस नहीं लूँगा। और इमीजिएटली मैंने बाद में 16 किलोमीटर का सिरोही का घाट नॉनस्टॉप चढ़ाया, नॉनस्टॉप उतारा, और उसके साथ साथ मौसम जो बदल रहा था और उसके तरफ उसकी वजह से मुझे फ्लू ने जकड़ा, लेकिन फ्लू ने जब जकड़ा तभी भी मैं रुका नहीं, मैंने बोला कि कुछ भी करना है मुझे एम्पल मिशन,
डॉक्टर श्री अनिल मुरारका जी को मुझे कहीं पे भी मायूस नहीं करना था कि मेरे से ये नहीं हो पाया बस, और ये एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन लेके चल रहा था, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना था कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो डेफिनेटली आप तो 100% कर सकते हो। और कल ऑन रिपब्लिक डे मैंने अपना जो ये 1600 किलोमीटर का जो राइड है ये कंप्लीट भी कर दिया, और मैं यहीं पे रुकूंगा नहीं, यही तो मेरी शुरुआत है। जैसे अनिल सर ने कहा था कि बेटा ये तेरी जस्ट शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत झंडे गाड़ने हैं और 100% ये मैं गाड़ के ही रहूँगा। और ये पूरा जो मेमोरेबल था बहुत ब्यूटीफुल था। कोई मैसेज रहता हमेशा मिशन ऑन द मूव, व्हाट वाज द मैसेज ऑन दिस टोटल राइड? हम लोगों ने 15 कॉजेस के लिए काम किए, मैंने डे 1 से लेके डे 15 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉजेस को ही प्रमोट किया। डे 1 हम लोगों ने वुमेन सेफ्टी के बारे में बात की दिल्ली में, डे 2 जब हम लोग आए तब हम लोगों ने बात की से नो टू ड्रग्स के ऊपर, डे 3 पे जब हम लोग आए तो हम लोगों ने बात की टोबैको फ्री इंडिया, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने एंटी स्मोकिंग डे, मतलब एंटी टोबैको डे था तो हम लोगों ने कैंसर का एक अवेयरनेस कैंप किया। डे 4 इट वॉज आर्मी डे तो हम लोगों ने पूरा जो राइड था इंडियन आर्मी को समर्पित किया। सेव वाटर, बाल विवाह, हाइजीन, धो डाला कैंपेन, हाथ कैसे धोना है, बच्चे लोगों के साथ बात की, बच्चे लोगों के साथ नेक्स्ट डे हम लोग स्कूल में गए, पर्यावरण से रिलेटेड बातें की, हमने उन्होंने सील पेंसिल प्रोवाइड किया, सील पेंसिल उसमें एक बी होती है, और उसके बाद उनको मैंने प्रॉमिस दिलवाया कि आप हर महीने एक झाड़ अपने तरफ से कहीं ना कहीं पे तो ये डालोगे करके। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था पोटहोल फ्री इंडिया, रास्ते में सर सबसे बड़ी बात थी सर, रास्ते में हमें जितने भी गड्ढे दिखे हमने उस गड्ढे को भरते हुए निकले, वाँ वाँ वाँ। ताकि किसी साइक्लिस्ट की और किसी मोटरिस्ट की, मोटरसाइकिलिस्ट की जान ना जाए, बस इसी को दिमाग में रखा। फिर और आ गया है तो डिसेबल राइट्स के बारे में बात की, बिकॉज सर कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, एटीएम से लेके कोई गवर्नमेंट ऑफिस से लेके बहुत सारी जगह ऐसी है जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। अगर कोई व्हीलचेयर से आता है, अब मैं हूँ, मेरे तो पैर एकदम अच्छे, लेकिन देर आर मैनी पीपल जो लोग नहीं चल पाते तो व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड भी बात की कि अवर सोसाइटी शुड बी डिसेबल फ्रेंडली। फिर उसके बाद हम लोग और आ गया है, फिर हम लोगों ने फार्मर सुसाइड का जो कल कैंपेन था हम लोगों ने पालघर में किया। फिर उससे एक दिन पहले भी हम लोग और एक स्कूल में गए जहाँ पे हम लोगों ने इट वॉज अ गर्ल चाइल्ड डे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर इसके अंदर मैं एक और अपने तरफ से ऐड करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके आगे मैं अपना ऐड करता हूँ कि उसका हुनर आजमाओ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पे देर आर मैनी गर्ल्स, आई एम अ प्रोफेसर, मुझे कहीं ना कहीं पे ये फील होता है कि जो हमारी गर्ल्स है उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट कहीं ना कहीं पे मम्मी डैडी के प्रेशर की वजह से उन लोग नहीं कर पाते, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, डांसिंग हो, या फिर सिंगिंग हो, कुछ भी हो। ऐसा करके फिर हम लोगों ने हमारा जो फाइनल राइड डे था हमने समर्पित किया सारे जवानों को जो शहीद हुए। और सबसे बड़ी बात, इस राइड के दौरान मैं 2 शहीदों के घर पर गया, और उनके घर पे जाने के बाद जो फील आया कि वाकई में वो बहुत बड़ा दिन था। हम एक बार गए माथुर सर के घर पे, उनके सुपुत्र उनके जो था ये थे वो शहीद हुए हमारे देश के लिए, और उसके बाद हम गए थे अहमदाबाद जगदीश सोनी जी के घर पे, उनके जो छोटे भाई थे नीलेश सोनी जी, -50 degrees एट सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते वक्त अपने प्राणों की आहुति दी जस्ट हमारे लिए। और वाकई में वो बहुत, ये 2 शहीदों के घर पे मैंने जाके घर पे जाके खाना खाया, वाकई में हमारे पूरे टीम के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था। और इसी प्रकार से पूरा जर्नी हमारा रहा, मैंने पूरे 15 दिन 15 अवेयरनेस कैंपेन किए, लोगों के साथ बातचीत की और बहुत कुछ किया। फिर हम लोगों ने बड़ौदा में हम लोगों ने रोड सेफ्टी से के मामले में बात की, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट बाइकर्स को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया, यही एक मैसेज देके कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत